आदर्श पब्लिक स्कूल ट्रांस जमुना कॉलोनी आगरा ने अपना 34वां वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह अतुल्य भारत की थीम पर सुसदन के प्रेक्षागृह में बड़ी धूमधाम से मनाया। वार्षिक उत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर और स्कूल के CMD डॉक्टर राम अवतार यादव ने माँ सरस्वती और गणेश पर माल्य अर्पण कर किया। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर भारत की अखंडता और संस्कृति को बखूबी दर्शाया। ब्रज पब्लिक स्कूल में शिक्षक रही वार्षिक उत्सव की मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर ने कार्यक्रम और स्कूल प्रबंधन समिति की खासी प्रशंसा की, साथ ही वार्षिक उत्सव में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की बधाई दी। ब्रज पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन है और 34वां एनुअल फंक्शन है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आई हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें ब्रज पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। 22 साल पहले लगभग मैंने भी ब्रज पब्लिक स्कूल में टीचिंग की थी, तो मैं देखती थी कि जो ब्रज पब्लिक स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो आज भी बरकरार है और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भी वहाँ पर टीचिंग करती थी। और मैं यहाँ के प्रबंधक महोदय ब्रज पब्लिक स्कूल के श्रीमान राम अवतार यादव जी को धन्यवाद देती हूँ और उन्हें बधाइयाँ देती हूँ कि और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ब्रज पब्लिक स्कूल की शाखाएँ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो आपने देखा होगा कि कितना कॉन्फिडेंस है बच्चों के पास, और मैं बच्चों के लिए बस यही कहूँगी कि वो आगे बढ़ें और ब्रज पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अतुल्य भारत की थीम पर आयोजित 34वें वार्षिक उत्सव में भारी संख्या में अभिभावकों ने शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्कूल प्रबंधक समिति और संस्कार भारती के पदाधिकारियों ने मेधावी छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने मणिपुर, केरल से लेकर कश्मीर तक की संस्कृति का प्रदर्शन कर भारत की अखंडता और सुंदरता को दर्शाकर सभी का मन मोह लिया। ब्रज पब्लिक स्कूल के CMD राम अवतार यादव ने वार्षिक उत्सव की जानकारी देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की बधाई दी। आज विद्यालय का 34वां वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का दिन था, जिसमें आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर जी मुख्य अतिथि थी। उन्होंने बच्चों को समय दिया, आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार भी दिए। बच्चों ने जो अपनी क्लासों में स्थान बनाए हैं एकेडमिक में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा। जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही उच्च कोटि के कार्यक्रम बच्चे ने प्रस्तुत किए और उनको भी सम्मानित किया गया है बच्चों को भी। ओवरऑल विद्यालय कहते हैं कि सभी तरह से बच्चे का विकास होना चाहिए, तो उसी तरह से ये कल्चर प्रोग्राम भी उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है कि बच्चे को स्टेज मिले, मंच मिले, जो बच्चा आगे बढ़ सके। विद्यालय की ऐसी पहल। किस थीम पर ये पूरा एनुअल फंक्शन रखा? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये तो बहुत अच्छा सा प्रश्न आपने पूछा है। अतुल्य भारत, भारत की तुलना हम दुनिया के किसी देश से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख कर के बच्चों ने थीम पर एक प्रोग्राम तैयार किया है। पूरा उसको समझाने का प्रयास किया है, प्राचीन भारत से लेके मॉडर्न इंडिया तक का पूरा बच्चों ने दिखाया है कि हम कैसे दूसरों से अग्रणी हैं और हम विश्वगुरु अगर थे और आज बनने का प्रयास कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। उन्होंने उस थीम के माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न किया। बच्चों के लिए क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, क्या संदेश देंगे, क्या सीख देंगे? बच्चों के लिए बस मैं इतनी कहूँगा कि उनके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उन्होंने बहुत ही बैलेंस होकर के प्रस्तुत किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय व्यवहार उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्रज पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करता नजर आ रहा है। वार्षिक उत्सव के अवसर पर बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति स्कूल और बच्चों की गुणवत्ता को बयां करती नजर आई। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।